मैं उषा साहू, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेम्ब्रेन पंप के बारे में। पंप हमारे घरों में होते हैं, बोरवेल पंप, जमीन के अंदर से पानी बाहर लाता है। पंप डॉक्टर्स के हाथ में होते हैं, सिरिंज जिसे वो इंजेक्ट करते हैं दवाइयां हमारे शरीर के अंदर। अर्थात पंप का काम हुआ चीजों को अंदर से बाहर या बाहर से भीतर पंप करना। मेम्ब्रेन पंप का भी बिल्कुल यही काम होता है। हम जानते हैं कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में कई सारे आयंस, मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स इत्यादि होते हैं और इनका कंसंट्रेशन मेंटेन करना होता है कोशिका को। तो ये मेम्ब्रेन पंप्स जरूरी आयंस को कोशिकाओं के भीतर पंप करते हैं और गैर जरूरी आयंस या मॉलिक्यूल्स को कोशिका से बाहर पंप करते हैं। अर्थात ये पंप कोशिका में, साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स और आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। पंप्स बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पंप्स वर्टिब्रेट्स के लगभग सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, खासकर सोडियम पोटेशियम पंप। बायोलॉजिकली ये पंप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जानते हैं नर्व कंडक्शन जो होता है, नर्व कोशिकाओं में जो इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं, ये सोडियम और पोटेशियम के बिना नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल नहीं हो सकती। उसी तरह से ये सोडियम पंप ही होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम की सहायता से नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल करने में मदद करते हैं। शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, ये लो सोडियम कंसंट्रेशन में काम करने के लिए एडेप्टेड होती हैं। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कोशिकाओं की होती हैं, वो सभी सोडियम के लो कंसंट्रेशन पर ही कार्य कर सकती हैं। इसीलिए कोशिका को हमेशा सोडियम का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम रखना होता है और इसलिए ये सोडियम पंप लगातार काम करते हैं एक्सेस सोडियम को साइटोप्लाज्म से कोशिका के बाहर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालने में। ना सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होना चाहिए साइटोप्लाज्म में, एज लो एज बिलो 0.5 मोल पर लीटर। हम जानते हैं हमारे घरों में जो पंप काम करते हैं वो ऊर्जा से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या डॉक्टर्स अपने अंगूठे से उसे प्रेस करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तब वो पंप काम करता है। तो ये सेल्यूलर पंप्स को भी, मेम्ब्रेन पंप्स को भी ऊर्जा चाहिए होती है और सेल ऊर्जा किस रूप में उपयोग करता है? एटीपी के रूप में। तो ये पंप एटीपी की ऊर्जा की सहायता से कार्य करते हैं, अर्थात ये जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का या मॉलिक्यूल्स का पंप के द्वारा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। सोडियम और पोटेशियम पंप की जहां तक बात है, ये हर कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, किंतु नर्व कोशिकाएं और किडनी की कोशिकाएं, खासकर कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स की कोशिकाओं में ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, बॉडी में आयंस और पानी का साम्य बनाए रखना। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है। सोडियम पोटेशियम पंप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन मेम्ब्रेन के भीतर धंसा हुआ होता है। दिस इज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के एक तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ भी ये बाहर निकला हुआ होता है और दूसरी तरफ सेल के बाहरी हिस्से की तरफ भी ये प्रोट्रूड करता है। सोडियम पोटेशियम पंप दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, बड़ा सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट जिसे हम अल्फा सब यूनिट कहते हैं, और छोटा सब यूनिट जिसे स्मॉलर या बीटा सब यूनिट कहा जाता है। अल्फा सब यूनिट यानी कि बड़ा वाला सब यूनिट लगभग 113 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर मास का होता है, जबकि छोटा सब यूनिट लगभग 35 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर मास का होता है। जहां तक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात है, अमीनो एसिड चेन से ये बने हुए होते हैं। बड़ा या अल्फा सब यूनिट, दिस इज अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट में ये मॉलिकुलर अमीनो एसिड के चेन्स लगभग 7 से 10 बार
मेम्ब्रेन में स्पैन करते हैं एक के बाद एक। देखिए यहाँ 10 यूनिट दिखाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट अलग अलग आइसोफॉर्म्स में आपको अलग अलग सेल्स में दिखाई देंगे, और ये जो स्पैनिंग मॉलिकुलर या अमीनो एसिड के चेन्स हैं ये 7 से 10 हो सकते हैं, यहाँ 10 दिखाए गए हैं। ना इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल दूसरा सी टर्मिनल। दिस सी टर्मिनल ऑफ लार्जर सब यूनिट, सी टर्मिनल ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, एन टर्मिनल ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, एन टर्मिनल ऑफ लार्जर सब यूनिट। ना ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ये लूप्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो इंट्रा सेल्यूलर भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होते हैं। पूरे सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी का हीरो तो यही बड़ा सब यूनिट यानी कि अल्फा सब यूनिट होता है। इसमें ना केवल एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है बल्कि फॉस्फोरिलेशन साइट भी होती है। सोडियम और पोटेशियम के बाइंड करने के लिए भी स्थान होता है, और इस पूरे पंप की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ओबिन बाइंडिंग साइट भी होता है। लेकिन स्मॉलर सब यूनिट भी कम नहीं है, बिना स्मॉलर सब यूनिट के लार्जर सब यूनिट अपना काम नहीं कर सकता है। प्रोबेबली स्मॉलर सब यूनिट इसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है, बड़ा लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के द्वारा ही एक्टिवेट होता है और पंप अपना कार्य शुरू करता है। सोडियम पोटेशियम पंप अपनी कार्यविधि के दौरान एक बार में 3 सोडियम को सेल से बाहर की तरफ पंप कर सकता है, और साथ ही साथ 2 पोटेशियम सेल के अंदर लाया जाता है। इस तरह से यह ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल भी यूज होता है। एक एटीपी मॉलिक्यूल की एनर्जी के द्वारा ये पंप कार्य करता है। आइए देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप मेम्ब्रेन से बाउंड है ना, ये साइटोप्लाज्म से सोडियम को बाहर की तरफ पंप करेगा। सर्वप्रथम 3 सोडियम आयन बाइंड करते हैं सोडियम बाइंडिंग साइट्स पे। जैसे ही सोडियम बाइंडिंग साइट्स पे सोडियम बाइंड करता है, ये स्टिमुलेट करता है इस प्रोटीन को और एटीपी को कि एटीपी आए और एटीपी बाइंडिंग साइट पर बाइंड करे। एटीपी बाइंडिंग साइट पर एटीपी के बाइंड करते ही एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकलकर इस प्रोटीन को फॉस्फोराइलाइज करता है। इसके लिए एस्पार्टिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बड़े सब यूनिट पर, लार्जर सब यूनिट पर या अल्फा सब यूनिट पर। इस तरह से प्रोटीन जैसे ही फॉस्फोरिलेट होता है, प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं यानी कि उसका शेप चेंज होता है, और 3 सोडियम जो बाइंड किए हुए थे दे आर एक्सपेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल, बाहर की तरफ ढकेल दिए जाते हैं ये सोडियम आयन। सोडियम के बाहर ढकेलते ही पोटेशियम आयन पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड करते हैं। पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स पर पोटेशियम के बाइंड करते ही प्रोटीन का डीफॉस्फोरिलेशन होता है, अर्थात फॉस्फेट ग्रुप जो बाइंड किए हुए थे इस प्रोटीन के साथ वो फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। इसके रिलीज होते हुए फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और पोटेशियम अंदर की तरफ रिलीज हो जाता है यानी कि साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, और फिर यह प्रोटीन अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। फिर से ये तैयार है 3 सोडियम को बाइंड करने के लिए और पूरे साइकिल को रिपीट करने के लिए। इस तरह से पूरे साइकिल के दौरान पूरे एक साइकिल में 3 सोडियम बाहर की तरफ एक्सपेल होते हैं और 2 पोटेशियम सेल के भीतर ले आए जाते हैं। ये कंप्लीट साइकिल सोडियम पोटेशियम साइकिल कहलाता है।